हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिससे आपको जो फोर्स का जो सिस्टम होता है वो और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं उनके आंसर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको मालूम है एसआई सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और न्यूटन को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। और आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से होगी तो उस यूनिट को हमेशा आपको किससे दिखाना है, कैपिटल लेटर से दिखाना है। जैसे केल्विन है तो केल्विन को कैपिटल के से दिखाना है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं, जैसे प्रेशर है तो पास्कल, पास्कल कैपिटल पी ए से दिखाते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए। तो जब भी साइंटिस्ट के नाम से जो भी यूनिट होती है उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। द फोर्सेज विच लाई इन अ सेम प्लेन, वो फोर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कोप्लैनर फोर्सेज। ये मैंने फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो ये क्या कहलाते हैं, कोप्लैनर। आप नाम से ही समझ सकते हो, जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं वो कोप्लैनर हो गए। फिर इसमें लिखा हुआ है फोर्सेज हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। तो मान लीजिए इसमें फोर्सेज हैं, जिस तरह से फोर्स लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर फोर्स है एक, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है। तो आप देखो इन सारे फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं ये कहलाते हैं कोलिनियर फोर्सेस। क्या कहलाते हैं, ये कोलिनियर फोर्सेस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोलिनियर फोर्सेस, जिनका लाइन ऑफ एक्शन नाम से आपको समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ये एक सीध में होगा, एक लाइन में होगा, तो कहलाते हैं कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, अगला आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, है ना। वो सारे फोर्सेज जो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो, उन फोर्स को हम बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट फोर्सेस जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? तो फोर्स होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में दोनों चीज़ होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगला इसमें स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इंटू टू और मोर कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन करना, फोर्सेस को रिजोल्व करना, तो ये कहलाता है रिजोल्यूशन। ये आसान सी चीज़ है। द फोर्सेस रिक्वायर्ड, कितने पैरामीटर होते हैं फोर्स को डिफाइन करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको चार पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। पहला पैरामीटर इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन, तो कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, चार पैरामीटर की। तो इसका सातवें का जो आंसर होगा वो सेवन वाले का आंसर हो जाएगा फोर। ऐसी है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट अल्फा, तो ये आपको फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आर इक्वल्स क्या होता है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ एंगल। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखो जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है उसका निकालने का आपका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स, टेन थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा हो। तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लो दो फोर्स पी और क्यू लग रहे हैं, तो हो जाएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अब आपको दे रखा है दो फोर्सेज हैं, इक्वल फोर्स हैं, इसका मतलब पी इक्वल्स टू क्यू है। ठीक है, तो पी इक्वल्स क्यू है, तो ये टेन थीटा इक्वल्स आ जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू की जगह पी या पी की जगह क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू साइन अल्फा और पी की जगह क्यू रख देते हैं क्योंकि ये इक्वल है, तो क्यू प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो क्यू को मान ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, साइन अल्फा अपॉन, इसको थोड़ा सा और ऊपर दिखाना पड़ेगा आपको, साइन अल्फा अपॉन इधर क्यू को मान ले लिया आपने, ठीक है, और यहाँ भी क्यू को मान ले लेंगे, तो यहाँ अंदर बचेगा वन प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखो
साइन अल्फा है, तो इसको आप ये लिख सकते हो साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन टू थीटा इक्वल्स होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, साइन टू थीटा इक्वल्स क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको साइन अल्फा को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन टू इंटू अल्फा बाई टू, ठीक है, तो साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, वन प्लस कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूले होते हैं, हालांकि ये मैथ्स में आप पढ़ते हो तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप नीचे देखो वन प्लस कॉस अल्फा, तो वन प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, या फिर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉस टू थीटा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पर फॉर्मूला आपको जैसे समझ में आ जाए, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ये किसके बराबर होता है, ये आपके इक्वल होता है साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके इक्वल होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप इसको भी इसी तरह से इससे कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, आप मतलब यही जैसे टू इंटू अल्फा बाई टू किया है, तो आप इसको ही यहाँ लिख सकते हो टू इंटू अल्फा बाई टू, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और टू से टू के, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा इक्वल बचेगा आपका साइन अल्फा बाई टू, और नीचे बचेगा कॉस अल्फा बाई टू, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टेन अल्फा बाई टू, इसका मतलब थीटा इक्वल्स आ गया अल्फा बाई टू, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो एक्चुअल एंगल है दोनों के बीच में उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, कैसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब समझते हो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, ये रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट एंगल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोर्सेज, दोनों के एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मैं इसको ग्राफिकली यदि आपको बताना चाहूँ तो ग्राफिकली ये इस तरह से हो जाएगा, ये मान लो दो हैं, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, ये पी है, इसको क्यू मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा और वो रिजल्टेंट क्या करेगा, ये अल्फ़ा है, तो ये रिजल्टेंट यहाँ से थीटा एंगल बनाएगा, और ये थीटा किसके बराबर, ये आपका जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा बाई टू के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सातवां क्वेश्चन हो गया, आप इसमें हैं ओके आठ ओके, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल टू फोर्सेज जो हो गया, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज ये वाला भी हो गया। दसवां क्वेश्चन, द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो ये सब तो बहुत आसान है, ये आपको समझ में आता होगा कि यदि मान लो ये फोर्स है एफ, और यदि ये यहाँ से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो वर्टिकल होता है वो एफ साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है, तो जो इसका आंसर है इस वाले का, इसका क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम अ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेज, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो तरह की प्रोपोर्शनलिटी होती है, एक तो डायरेक्टली एक इन्वर्सली, दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोलते हैं, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम होती है तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, द क्लोजिंग साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन, ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं मैकेनिक्स में फोर्सेस वाले, इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस यूज़ करते हैं आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज़ करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में यदि आप पॉलीगन बनाते जाएंगे तो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होती है, लास्ट साइड होती है, वो रिप्रेजेंट करती है आपका रिजल्टेंट, तो इसका आ जाएगा रिजल्टेंट। फ्रीबॉडी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, बोथ एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस, है ना, बॉडी पे कौन सा एक्शन और रिएक्शन आप समझते हैं, एक्शन और रिएक्शन से न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आपका एक्टिव और रिएक्टिव फोर्स कौन सा आया। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस पासिस थ्रू अ सेम पॉइंट, तीन फोर्सेस हैं, ठीक है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन मान लो एक एफ वन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, एक एफ टू लग रहा है इधर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास हो रही है, एक मान लो एफ थ्री लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास हो रही है, तो ये
फोर्सेस, तीनों फोर्सेस की या तीन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होती है तो वो तीनों फोर्सेस, वो सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, है ना, इलामिस थ्योरम का। सो दिस इज इट, थैंक यू।